हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पेट पैरट्स पानी क्यों नहीं पीते, या वो पानी पीना क्यों नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, सो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समर सीजन आ चुका है, गर्मी 40 डिग्री के पार जा रहा है, और ऐसे में मेरे कई सब्सक्राइबर्स का कमेंट निकल के आ रहा है कि उनके पैरेट्स पानी नहीं पीते, पानी से दूर रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे पेट पैरेट्स पानी क्यों नहीं पीते, इसका रीज़न क्या है, और हम ऐसा क्या करें कि हमारे भी पैरेट्स पानी पीने लगें। जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पेट पैरेट्स पानी क्यों नहीं पीते। तो देखिए, अगर आप अपने पैरेट को खाने में वाटरमेलन, पपाया, पोमेग्रेनेट, मस्क मेलन, कुकुम्बर, पम्पकिन जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देते हैं, तो पैरेट के बॉडी को पानी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से फुलफिल हो जाता है। जैसे कि वाटरमेलन में 92% वाटर कंटेंट होता है, कुकुम्बर में 95% वाटर कंटेंट होता है, पम्पकिन में 90% वाटर कंटेंट होता है। तो अगर आप अपने पैरेट को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने में देते हैं तो उनको सफिशियंट वाटर उनके मील से मिल जाता है, जिस कारण वो पानी नहीं पीते। इसलिए समर सीजन में अपने पैरेट के डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करना मस्ट है। वाटरमेलन इज़ वन ऑफ द हाइड्रेट फूड। वाटरमेलन आपके पैरेट को डिहाइड्रेशन से बचाकर भी रखता है। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा पैरेट पानी पीने लगे। आप अपने पैरेट को खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके साथ साथ अपने पैरेट के मील में मिक्स सीड भी दीजिए। सीड खाने से उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे वो पानी पीने लगेंगे। बट पैरेट्स को फोर्स करके पानी मत पिलाएं। बेबी पैरेट है तो उसे स्पून से वाटर दे सकते हैं, एडल्ट पैरेट को फोर्स नहीं करना है। फोर्स करने से पानी उनके नोज़ में भी जा सकती है। और पैरेट पानी पिए या ना पिए, पैरेट के केस में हमेशा वाटर का बाउल रहना चाहिए, और उसके वाटर को दिन में 2 से 3 बार चेंज कर दीजिए ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।